हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लोग कंपेयर करने वाले Hyundai की वेन्यू और मारुति की विटारा ब्रेजा के बीच में। कंपैरिजन शुरू करने से पहले हम दोनों की गाड़ी की ओवरव्यू देख लें। तो बात करें Hyundai वेन्यू में, आपको प्राइस शुरू होती है 6,50,000 रुपये से और टॉप मॉडल कीमत जाती है 11,10,000 रुपया। इसके अंदर आपको पेट्रोल में 8 मॉडल और डीजल में 5 मॉडल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेट्रोल में इसका ऑटोमेटिक वेरियंट की कीमत शुरू होती है 9,35,000 रुपया और डीजल के अंदर इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक वेरियंट नहीं देखने को मिलेगी। बात कर ले मारुति की विटारा ब्रेजा की, तो इसकी कीमत शुरू होती है 7,77,000 रुपया और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 10,76,000 रुपया। और ये गाड़ी पेट्रोल में नहीं आती, ये सिर्फ डीजल में आती है और इस गाड़ी की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शुरू होती है 8,90,000 रुपये में। तो दोस्तों, आज के इस कंपैरिजन में हमने ली Hyundai Venue की S डीजल मॉडल और वहीं मारुति की विटारा ब्रेजा की VDI AMT मॉडल। बात कर लें वेन्यू की कीमत है 9,54,000 रुपये और वहीं हम VDI AMT की बात कर लें जो कि विटारा ब्रेजा की है, इसकी कीमत है 10,08,000 रुपये। तो शुरुआत करते हैं इंजन के साथ। तो आपको Hyundai की वेन्यू S डीजल में आपको 1396 cc का इंजन देखने को मिलता है और ये 89 bhp का पावर जनरेट करती है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। वहीं बात कर लें मारुति की विटारा ब्रेजा में, आपको 1250 cc का इंजन देखने को मिलता है और ये गाड़ी जनरेट करती है 88 bhp पावर पर, ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। माइलेज की बात कर लें तो यहाँ पर 23 का एवरेज आपको वेन्यू में देखने को मिल जाता है, वहीं 24 का एवरेज आपको विटारा ब्रेजा में देखने को मिलता है। ये ARI सर्टिफाइड क्लेम है। बात कर लें अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको वेन्यू में देखने को मिलेगा और वहीं मारुति की विटारा ब्रेजा में 48 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में दोनों ही गाड़ी में 5 सीट्स दी गई हैं, जहां आपको 350 लीटर का अच्छा बूट स्पेस वेन्यू के अंदर देखने को मिल जाता है, वहीं थोड़ा सा कम बूट स्पेस आपको मारुति की विटारा ब्रेजा में देखने को मिलता है जो कि 328 लीटर है। तो ये हो गई हम स्पेसिफिकेशन। बात कर लें फीचर्स के मामले में, तो पहले मैं आपको वेन्यू की फीचर बताता हूँ जो हमें विटारा ब्रेजा में नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट फीचर ट्रंक लाइट, यहाँ पर आपको विटारा ब्रेजा नहीं देखने को मिलता है। रियर एसी वेंट वेन्यू में है पर विटारा ब्रेजा में नहीं दिया गया है। ग्लव ब्लॉक्स कूलिंग वेन्यू में है पर विटारा ब्रेजा में नहीं है। लेन चेंज इंडिकेटर वेन्यू में है पर विटारा ब्रेजा में नहीं है। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक वेन्यू में है पर विटारा ब्रेजा में नहीं है। अब बात कर लें मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की फीचर। एयर क्वालिटी कंट्रोल आपको ब्रेजा में देखने को मिलेगा पर वेन्यू में नहीं देखने को मिलेगा। रिमोट ट्रंक ओपनर, एंटी थेफ्ट अलार्म आपको विटारा ब्रेजा में देखने को मिल जाता है पर वेन्यू में नहीं देखने को मिलता है। 4 स्पीकर आपको फिक्स देखने को मिलेंगे विटारा ब्रेजा के अंदर, जबकि वेन्यू में आपको एक्सटर्नली फिट कराने पड़ेंगे। रियर विंडो स्पॉयलर आपको विटारा ब्रेजा में देखने को मिलता है पर वेन्यू में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सारे फीचर को कंपेयर करें तो हम बात करें तो मुझे ब्रेजा की फीचर ज़्यादा बेहतर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्यू। पर वेन्यू के अंदर आपको ग्लव बॉक्स कूलिंग और रियर एसी वेंट जैसे एक बहुत ही लग्जरियस फीचर देखने को मिलता है जो कि ब्रेजा में मिसिंग है, पर 50,000 सस्ता भी तो है हमारा Hyundai Venue। अब बात करें कंक्लूजन, कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप विटारा ब्रेजा लीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पावर चाहिए तो आप वेन्यू ले सकते हैं। पर वेन्यू के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि ये गाड़ी पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, डीजल में आपको इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप मैनुअल लेना चाहें तो वेन्यू ले सकते हैं। वहीं अगर हम लोग विटारा ब्रेजा की बात कर लें तो ये गाड़ी पेट्रोल में नहीं आती है, तो अगर आप पेट्रोल पसंद करते हैं तो आप वेन्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पसंद डीजल है और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी चाहिए तो विटारा ब्रेजा आपके लिए बेस्ट होने वाली है। वही तो बात कर लें मैनुअल ट्रांसमिशन, दोनों गाड़ी अपनी जगह बेहतर है। पर लुक्स की बात कर लें, लुक्स में बात करूँ तो वेन्यू का लुक्स ज़्यादा आपको एडवांस लगेगा एज़ कम्पेयर टू विटारा ब्रेजा। तो अंत में ये आपका निर्णय होता है आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। वैसे अगर लुक्स की बात की जाए तो वेन्यू बहुत से लोगों को मुझे लगता है पसंद आने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना रहे जरूर दे कमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।